नमस्कार, आप देख रहे हैं धर्मयुद्ध, में हूं पिनासी। अगर इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ और डेप्यूटी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के बीच की दरार आज और गहरी हो गई है। योगी प्रयागराज मंडल के विधायकों की जो मीटिंग बुलाई है, उसमें केशव प्रसाद मौर्य शामिल होने के लिए अब तक नहीं पहुंचे हैं। दरअसल योगी आज अलग अलग मंडल के विधायकों से मिल रहे हैं, मुलाकात कर रहे हैं। आज ही उन्होंने मेरठ मंडल के विधायकों से मीटिंग की और इस वक्त प्रयागराज मंडल के विधायकों की प्रशासनिक समीक्षा की मीटिंग चल रही है। केशव प्रसाद मौर्य भी जिस सिरातू विधानसभा सीट की राजनीति करते हैं, वो प्रयागराज मंडल में ही आती है। सबसे बात अहम हो जाती है कि सिरातू सीट पर केशव प्रसाद मौर्य को जिन पल्लवी पटेल ने हराया, योगी ने कल ही उनसे मुलाकात कर ली थी। ऐसे में यह भी कहा जा रहा है कि केशव प्रसाद की मीटिंग में नहीं आने की एक वजह यह भी हो सकती है कि योगी ने उस नेता से मुलाकात क्यों की जिसने उन्हें हराया था। हालांकि योगी जिस तरह से नेताओं से मिल रहे हैं, प्रशासनिक समीक्षा कर रहे हैं, उसी तरह से केशव प्रसाद मौर्य के साथ भी कई नेताओं का मिलना जुलना लगातार जारी है। विशाल और रुचि जी हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं। रुचि जी, बैठक में बुलाया गया था, पहुंचे नहीं डिप्टी सीएम केशव, एक बार फिर कई अटकलों को और बल दे दिया है। जी हाँ, बिल्कुल, ये साफ हो गया है कि यूपी में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा, ना बीजेपी में ना योगी सरकार में, क्योंकि केशव प्रसाद मौर्य को बुलाया गया था। 6:30 बजे से ये प्रयागराज मंडल की मीटिंग थी जिसमें हार की समीक्षा होनी थी। केशव प्रसाद मौर्य नहीं पहुंचे, तो केशव प्रसाद मौर्य तो आजकल मीडिया से बात नहीं कर रहे हैं, दूरी बना रखी जब से रिजल्ट्स आए हैं। लेकिन उनके करीबियों से हमने पूछा कि अभी 6:30 बजे से मीटिंग थी, क्या जाएंगे केशव प्रसाद मौर्य, तो उन्होंने बिल्कुल साफ कहा कि जितनी भी समीक्षा बैठक हो रही है, जितने भी मंडल की हो रही है, उसमें दोनों डिप्टी सीएम को बुलाया जाना चाहिए और केशव प्रसाद मौर्य नहीं जाएंगे। तो आप समझ सकती हैं कि कितनी ज़्यादा तल्खी है। आप अगर यहाँ कालिदास मार्ग पे आएंगी पिनास, तो 5 कालिदास मार्ग योगी आदित्यनाथ का बंगला है और उससे एक बंगला छोड़ के केशव प्रसाद मौर्य रहते हैं। लेकिन दिलों की दूरियां से बिल्कुल साफ हो रही है कि मीटिंग बुलाई है, समीक्षा बैठक बुलाई है, उसमें फिलहाल केशव प्रसाद मौर्य का जाने का कोई भी प्लान नहीं है। तो यानी जिस तरह से ये चर्चा हो रही है कि यूपी में सियासत बहुत ज़्यादा गर्म हो गई है, गुटबाजी हो रही है, तो उसकी साफ तस्वीर आज हमको देखने को मिल रही है पिनास। बिल्कुल, चंद कदमों के फासले हैं दोनों के घरों में, लेकिन ये फासले मिट नहीं रहे हैं और अगर ये फासले यूं ही बढ़ते जाएंगे तो निश्चित तौर पर बीजेपी के लिए उपचुनाव से पहले अच्छी खबर नहीं है। सीएम हाउस से हमारे साथ विशाल प्रताप सिंह भी जुड़ चुके हैं और मीटिंग की तस्वीरें हमें नजर आ रही हैं। विशाल, एक तरह से लग रहा है जिस तरह से यहाँ योगी जी तमाम मंडल की प्रशासनिक समीक्षा मीटिंग्स ले रहे हैं, उधर केशव प्रसाद मौर्य की टाइमलाइन भी देखिए, रोज नए नेताओं से मुलाकात हो रही है, तो क्या एक तरह से शक्ति प्रदर्शन इसे समझा जाए, कौन किसके साथ? पिनाज, इस बात से बिल्कुल इनकार नहीं किया जा सकता है कि उत्तर प्रदेश में शक्ति प्रदर्शन का दौर बिल्कुल चल रहा है। कारण यह है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार मंडलों की बैठक कर रहे हैं। सुबह उन्होंने मेरठ मंडल की बैठक की है और इस समय 6:30 बजे से प्रयागराज मंडल की बैठक शुरू हो चुकी है। केशव मौर्य का जो गृह जनपद है कौशाम्बी की सिराथू सीट, उस सिराथू सीट की भी इस समय जो मंडलीय समीक्षा होती है वो चल रही है, लेकिन डिप्टी सीएम होने के नाते जिम्मेदारी भी ज्यादा होती है केशव प्रसाद मौर्य की, लेकिन फिलहाल अभी वो मीटिंग में नहीं पहुंचे हैं। जो संगठन के सूत्र हैं पिनाज, वो ये बता रहे हैं कि चूंकि डिप्टी सीएम को मुख्यमंत्री की तरफ से खुद ही 25 जिलों का प्रभार दिया गया है, तो ऐसे में वो प्रयागराज की मीटिंग में आए या ना आए, इससे फर्क नहीं पड़ता है, ये संगठन की तरफ से कहा जा रहा है। लेकिन फर्क बिल्कुल पड़ता है पिनास, क्योंकि आने वाले दिनों में 10 उपचुनाव सीटों पर चुनाव होने हैं और ऐसे में जब भारतीय जनता पार्टी को एक साथ कमर कस कर इसको मुकाबले में जाना है, ऐसे समय में तल्खी सामने आना, ऐसे समय में डिफरेंसेस की बात होना और ऐसे समय में संगठन और सरकार के बीच मतभेद की खबरों का सामने आना अपने आप में दिखाता है कि उत्तर प्रदेश बीजेपी में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। लेकिन सूत्रों के मुताबिक जो हमारे पास जानकारी है पिनाज, वो यही है कि केशव प्रसाद मौर्य उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में, उसी लखनऊ में मौजूद है जहां पर इस समय मीटिंग चल रही है, उसी लखनऊ में मौजूद है जहां पर ये पूरी घटनाक्रम सुबह से चल रहा है, लेकिन फिलहाल वो मीटिंग में नहीं आए हैं, मीटिंग से उन्होंने दूरी बना रखी है। हालांकि इससे 6 महीने पहले भी जो एक मंडलीय समीक्षा हुई थी प्रयागराज की, उसमें भी केशव प्रसाद मौर्य नहीं आए थे, तो तर्क अपने बिल्कुल हो सकते हैं, लेकिन समय इस समय उत्तर प्रदेश बीजेपी में संगठन और सरकार को साथ खड़े रहने की है और वो फिलहाल होता हुआ नजर नहीं आ रहा है यूपी की राजधानी लखनऊ में। बिल्कुल, संगठन सरकार से बड़ा होता है। केशव प्रसाद मौर्य तो खुले मंच से ऐलान कर गए थे, ट्वीट भी करके पूरा संदेश दोहराना चाहते थे, वो ट्वीट बाद में डिलीट हो गया था रुचि जी, लेकिन अभी केशव प्रसाद मौर्य इस बैठक की गैर मौजूदगी से सीधे सीधे दिल्ली भी संदेश भेज रहे हैं।
जी हाँ, देखिए जब यहाँ 14 जुलाई को बीजेपी कार्य समिति की मीटिंग हुई थी और उसमें केशव प्रसाद मौर्य का ये बयान आया था कि संगठन सरकार से बड़ा होता है, उसके बाद केशव मौर्य दिल्ली गए थे, जेपी नड्डा जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं बीजेपी के उनसे मुलाकात उनकी हुई थी और उसके बाद जब वो वापस आए तो काफ़ी मुस्कुराते हुए आए थे। लेकिन जिस तरह से आप पिछले 10 दिनों में पिनाश देखेंगे, जिस तरह से उनका मुलाकात का दौर चल रहा है, विधायकों से वो मिल रहे हैं, वो मंत्रियों से मिल रहे हैं, तो एक तरह से यूपी की सियासत में ये कहा जा रहा है कि एक तरह का शक्ति प्रदर्शन। हालांकि केशव प्रसाद मौर्य के लोगों से बात आप करेंगे तो उनका कहना है कि केशव प्रसाद मौर्य तो ऐसे ही हमेशा सबसे मिलते रहते हैं, वो चाहे मंत्री हों, चाहे विधायक हों, चाहे पूर्व विधायक हों, इसमें नई कोई बात नहीं है। इस समय उसको जोड़कर देखा जा रहा है कि यूपी में, क्योंकि लोकसभा चुनाव में पार्टी ने बीजेपी ने अच्छा परफॉर्म नहीं किया, उसकी वजह से यहाँ तल्खी है, संगठन में भी सब कुछ ठीक नहीं है और सरकार में भी सब कुछ ठीक नहीं है। तो जाहिर है कि एक मैसेज देने की तो केशव प्रसाद मौर्य कोशिश कर ही रहे हैं, क्योंकि उनके जिस तरह से आज की मीटिंग में वो नहीं गए या जिस तरह से मुलाकातें कर रहे हैं उससे साफ है कि वो कुछ सिग्नल देने की कोशिश कर रहे हैं और दिल्ली में उनकी कोई बात ऐसी हुई है जिसके बाद वो इस तरह से आप कह सकती हैं कि इस तरह से उनके मुलाकातों का दौर या मीटिंग में ना जाना उसके कहीं संकेत दे रहा है। बिल्कुल। और यहाँ से विशाल भी लगातार, विशाल शुरुआत में जब संगठन सरकार से बड़ा है इस तरह की बात करने के बाद जब वो ट्वीट डिलीट हुआ तो लग रहा था एक बार फिर से एक पैचअप कम से कम ऑन द फेस ऑफ इट हो गया है, लेकिन तब से अब तक जिस तरह से अलग अलग विधायकों के, नेताओं के अलग अलग स्वर जो हैं अपने अपने हिसाब से, अपने अपने गुट के हिसाब से निकलकर सामने आ रहे हैं, ऐसा पहले बीजेपी में कभी नहीं हुआ। क्या होने वाला है बीजेपी में? पिनाज, यही सवाल सबके मन में है। कैमरे पे भले ही चाहे संगठन के लोग हों, सरकार के लोग हों, सहयोगी लोग हों, ऑल इज वेल की बात जरूर करते हैं, लेकिन इस बात से बिल्कुल इनकार नहीं करते हैं कैमरा बंद होते ही कि वाकई में जो चीजें चल रही हैं उत्तर प्रदेश बीजेपी में, इसको अब समय रहते रोकने की बहुत ज्यादा जरूरत है। कारण यह है कि अगर संगठन और सरकार एक दूसरे को यही बताते रहेंगे कि कौन बड़ा है कौन छोटा है, तो न सिर्फ इससे संगठन और सरकार के काम में फर्क पड़ेगा बल्कि जनता के बीच में, कार्यकर्ताओं के बीच में वो मैसेज नहीं जाएगा जिसको कि भारतीय जनता पार्टी देने की कोशिश कर रही है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को इस बार लोकसभा चुनाव में वो अपेक्षाकृत रिजल्ट उत्तर प्रदेश से नहीं मिले हैं जिसको कि वो एक्सपेक्ट कर रही थी और उम्मीद कर रही थी। और ऐसे में जब आने वाला समय उपचुनाव का है, 2027 का जो चुनाव होगा उसको लेकर के अभी से माना जा रहा है कि ये लिटमस टेस्ट है भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी दोनों के लिए, तो ऐसे में आपको सबसे ज्यादा ताकत लगाने का समय यही है। और ऐसे समय में जब टॉप लीडरशिप अलग अलग दिखेगी, भले ही वो एक हो लेकिन अगर दिखेगी अलग अलग, तो जो परसेप्शन होता है, जो नैरेटिव होता है, वो अपने आप में जनता के बीच में, कार्यकर्ताओं के बीच में संदेश। सवाल यह है कि दिल्ली तक मुलाकातें हो गई लेकिन सुलह नहीं हुई है, या फिर दिल्ली से कोई सख्त संदेश अभी तक लखनऊ पहुंचा नहीं है, तो कई सवाल उठ रहे हैं। और ये निश्चित तौर पर बीजेपी के लिए, जब कहीं ना कहीं वो पहले से ही लोकसभा चुनाव के बाद बैकफुट में है, इस तरह की तस्वीरें आना, इस तरह की खबरें आना अच्छी बात नहीं। आप दोनों का इस खबर पर नजर बनाए रखें। आप फिलहाल अपडेट के लिए शुक्रिया।